साई शरणेश्वर मंदिर अंजन नाके में चोरी होने पर पुलिस ने मुखबिर तंत्र और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साई मंदिर के पास रहने वाले रोहन पिता संतोष को गिरफ्तार किया। वहीं चोर से पिछली बार चोरी और इस बार चोरी किए 5,000 रुपये और 5 सीसीटीवी कैमरे भी जब्त किए। चोर साई मंदिर के पास का रहने वाला है। कोतवाली थाना प्रभारी बलदेव सिंह मुजालदे ने बताया कि चोर द्वारा पहले भी चोरी की गई थी और मंदिर के पास रहने से पहले उसे पकड़ नहीं पाए थे, लेकिन अब की बार सीसीटीवी में चोर स्पष्ट दिखाई दिया, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, ये पिछले समय 2 महीने पूर्व भी एक चोरी हुई थी साई मंदिर में। वहाँ जो दान पेटी रखी है उसमें से दान पेटी को तोड़ के जो है उसमें दान के पैसे चोरी करके ले गए थे। उस समय भी हमने अपराध पंजीबद्ध किया था। अभी हाल ही में दिनांक 19 की दरमियानी रात्रि में अज्ञात बदमाश द्वारा फिर वैसे की पुनरावृत्ति की घटना की और उसको जो है हम लोगों ने फिर अपराध पंजीबद्ध किया और आसपास के जो है मुखबिर मामूर किए और उसको बारीकी से हमने तलाश किया और विवेचना की गई। तो उसमें आरोपी रोहन पिता संतोष निनामा जाति भील है, वो वहीं मंदिर के पड़ोस में जो मोहल्ला है वहीं का निवासी है और वो जब चोरी करके वहां से अपने घर चले जाता था। इस तरह से लगातार 2-3 चोरियां इसने कबूल की है और उसको आज हमने गिरफ्तार करके जो दोनों समय के घटना समय के कुछ नकदी है 5,000 रुपये कैश और एक घटना में 5 कैमरे तोड़े थे वो भी हमने उससे जब्त किए हैं और अभी उसको न्यायालय पेश किया है। RPTV न्यूज की खबर पाने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाए, साथ ही बेल आइकन भी दबाए नोटिफिकेशन के लिए। जय न्यूनतम दरों पर कुरियर सर्विस संपूर्ण भारत में। हमारा पता अक्षदा कुरियर MG रोड साई राम जींस की गली में बड़वानी।